धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मेरा नाम मीरा पवारे और मैं आज प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना चाह रही हूँ। प्रभु की स्तुति हो, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। और सच में ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज मैं अपनी गवाही देने के लिए जो है प्रभु ने मुझे अवसर दिया। मैं उज्जैन से हूँ और मैं अपने कुछ जो प्रभु ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है उसको मैं बताना चाहती हूँ। और मेरा जन्म जो है एक महाराष्ट्र हिंदू परिवार में कोल्हापुर में हुआ और मैं 9 महीने की थी तभी से मुझे पोलियो हुआ और मैं चलने में असमर्थ हो गई। और तब से मेरे जीवन में एक दुख तकलीफ कठिनाइयाँ परेशानी आई और मैंने अपने जनते के एक अपंग जीवन मतलब एक बोझ और एक निराशा और उदासीनता थी। और बचपन से सुना था कि जो अपंगता है वो पूर्वजन्म के पापों का परिणाम है और इसलिए मैं ये बचपन से खोज कर रही थी कि कैसे पाप की क्षमा हो सकती है। और खोज करते करते जो है काफ़ी साल हुए इस बीच में निराशा में मैंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की क्योंकि एक अपंग जीवन एक बोझिल बन गया था। लेकिन प्रभु की योजना मेरे लिए कुछ और थी और मैं 1983 में एक पर्चे के द्वारा मैंने ये जाना कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और साथ ही ये भी लिखा था उसमें कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, उसके लहू से मेरे पाप क्षमा हुए, ये मैंने जाना। लेकिन मेरे घर के आसपास या मेरे परिचितों में कोई भी क्रिश्चियन नहीं था कि जो मुझे इस बात को बता सकता था। इसलिए मैं प्रार्थना करने लगी कि कैसे मैं इसको और अधिक अच्छी तरह से समझ सकूं कि कैसे यीशु मसीह का लहू मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। और उसी समय मैंने रेडियो पर विश्ववाणी का प्रोग्राम सुना और धीरे धीरे प्रभु उस प्रोग्राम के माध्यम से मुझसे बात करने लगा। मेरे अंदर ढेरों से सवाल थे कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, आत्मा का क्या होता है, परमेश्वर कैसा है, कौन है, कई सवाल मेरे अंदर थे। और मैंने देखा कि मेरे कई सवालों के जवाब मुझे मिल रहे हैं और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे टुकड़ों में बाइबल नहीं चाहिए, मुझे पूरी बाइबल चाहिए। लेकिन कैसे था, इसी दौरान मेरे एक परिचित क्या मैं गई और वहाँ पर मुझे एक क्रिश्चियन परिवार मिला और मैंने उनसे कहा कि मुझे बाइबल चाहिए, उन्होंने मुझे बाइबल दिया और मुझे चर्च भी ले गए। और मैं जब चर्च में गई पहली बार तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक आनंद एक शांति अनुभव हुई। और वहाँ से मैंने हर
जाना शुरू किया चर्च में, और चर्च जाते समय कुछ समय बीता और वहाँ पर एक बहन थी जो लय डॉक्टर थी और वो वर्ल्ड विजन के लिए काम करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप हमारे साथ काम करोगे। मैंने ये सोचा कि जिस प्रभु ने मुझे चुना है और मैंने सत्य को जाना है कि यीशु मसीह का लहू हमारे पापों की शुद्ध करता है, मैं ये औरों को भी बताऊं। और मेरे अंदर एक आग आई, जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है तो हम बैठ नहीं सकते हैं। हमारे अंदर एक चाहत, एक आग जलती कि हम औरों को भी इस रहस्य को बताएं। और इस प्रकार से मैंने वर्ल्ड विजन ज्वाइन किया। वर्ल्ड विजन जो है गांव में जो है काम करता है। तो मैंने एक सिलाई टीचर के रूप में वहाँ जाना शुरू किया। बच्चों को मैं पढ़ाती थी, बाइबल के कहानियाँ सुनाती थी। और इस प्रकार से जब मैं शहर से 12 किलोमीटर दूर जो गांव में जाने लग गई, शुरुआत में मैं साइकिल रिक्शा से बस में और बस में से बैठकर अपने प्रोजेक्ट के स्थान में आती थी और हाथ के बल चलते हुए, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मैं हाथ के बल चलते हुए आई हूँ, तो मैं हाथ के बल चलते हुए अपने स्थान में जाती थी और बहनों को सिलाई के साथ साथ वचन भी प्रभु के बारे में बताया करती थी। काफ़ी उन बहनों के जीवन में मैंने एक परिवर्तन को देखा। कुछ समय बाद मैंने सोचा कि इस प्रकार से बस में आना है, क्यों ना मैं एक थ्री व्हीलर मोपेड खरीदूं। और मैंने थ्री व्हीलर मोपेड के लिए चाहा और मैं एक मोबाइल ऑटो गैरेज वाले से बात किया। और पहली बार पूरे एमपी में तीसरी जो मेरी मोपेड जो मैंने बनाई, वो तीसरी मोपेड थी, उसमें काफ़ी मिस्टेक थे, लेकिन उसको लेकर मैं जाने लग गई। उसमें काफ़ी कमियां होने के कारण वो स्लो करती थी तो बंद हो जाती थी। इस गाड़ी ने, इस जो मेरी मोपेड ने मुझे विश्वास में बहुत बढ़ाया, क्योंकि वो मोपेड कई बार सुनसान जगह में बंद हो जाती थी। कई बार, एक बार मुझे याद है कि क्रिसमस का टाइम था और जब मैं क्रिसमस के प्रोग्राम के बाद घर में वापस आ रही थी और रात का सन्नाटा था, गहरे अंधेरा, बिल्कुल ठंड का टाइम, और उस समय मेरी गाड़ी बंद हो गई। पूरी देखा आसपास, सारे दुकानों के शटर बंद हो चुके थे, कोई भी नहीं था, लेकिन मेरा मन विचलित नहीं हुआ, डर नहीं लगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में मेरे अंदर जो एक विश्वास था, एक शांति थी, मैंने कहा क्या प्रभु तू मुझे रात को यहीं पे सोने के लिए रखेगा क्या। लेकिन अचानक दो लड़कियाँ आए और उन्होंने मुझे सहायता किया, घर पे भेजा। इसी प्रकार से एक बार पूरे सुनसान रोड पर मेरी जगह बिल्कुल गांव से बाहर मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। उस समय एक लड़का जो है 13-14 साल का आया और कहने लगा क्या है दीदी। तब मैंने कहा बेटा मेरी गाड़ी बंद हो गई है। उसने वहीं से एक पत्थर उठाया और उसको खोला, तो मैं उसकी वो देख रही थी। मैंने कहा क्या तुम जानते हो, कि हाँ मैं आपके वहाँ पर जो शंकर ऑटो गैरेज है वहीं पर मैं काम करता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। और उसने मुझे ठीक कर दिया। मैंने कहा तुम इतने सुनसान जगह में कैसे आए हो। तो उसने कहा कि मेरा कुत्ता खो गया है। मैं हंस दी, मैं जानती थी कि ये कुत्ता तो खोने का एक बहाना है, मेरे प्रभु ने उसे गुमराह कर दिया है क्योंकि उसको मेरे पास आना था। तो हमारा प्रभु जो है, हम जो है सोचते हैं कि हम अकेले हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन जब हम निकलते हैं, मुझे याद आ रहा है कि मरियम मगदलीनी ने कहा कि कब्र का पत्थर कौन हटाएगा। और जब वो यीशु मसीह के देह पर मलने के लिए, सुगंधित द्रव्य मलने के लिए निकली, रात का सन्नाटा, भोर का जो है कोई नहीं था, लेकिन वो कह रही थी कि कब्र का पत्थर कौन हटाएगा। जब एक विश्वास का कदम उसने बढ़ाया, तब स्वर्ग ने जो है पत्थर को हटाया। हम जब एक विश्वास का कदम बढ़ाते हैं, तब स्वर्ग हमारी मदद करता है। इस चीज़ को मैंने अनुभव किया।
और उसके बाद मुझे क्योंकि मैं एक सीए नहीं में जाती थी, जहाँ पर छिटकों का बपतिस्मा होता था, मुझे बपतिस्मा लेना था, लेकिन मेरा एक ही था कि जो प्रभु यीशु मसीह करेगा वही मैं करूँगी, और बाइबल में जो लिखा है वैसे ही चलना है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि छिटकों का बाइबल बपतिस्मा लेना है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि कैसे है, बहुत असंभव था कि मेरे लिए बपतिस्मा लेना कैसे हो इस पैरालाइज कंडीशन में, लेकिन जहाँ मैं वर्ल्ड विजन में थी और जो डॉक्टर दंपति थे उन्होंने जो है उनके एक थे, उन्होंने कैनेडी से एक जॉन मिल्स करके परमेश्वर के दास उनको बुलाया, वो जॉन मिल्स ने आकर मुझे जो है शिप्रा नदी, जो उज्जैन में शिप्रा नदी है, उसमें मुझे बपतिस्मा दिया, और इस प्रकार मैंने प्रभु की आज्ञा को पालन किया। वैसे ये बात है कि हमें, मुझे किसी ने कोई टीचिंग नहीं दिया, किसी ने बपतिस्मा पर नहीं दिया, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, बहुत ही असंभवनीय बात है। मैं कई बार सोचती हूँ कि कैसे मैंने बपतिस्मा लिया, जॉन मिल्स आए कनाडा से, ये सारी बातें हम जब प्रभु पे छोड़ देते हैं हमारी सारी, तो प्रभु अपने आप पूरा करता है स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद जो है जो 1985 में 1985 में मैंने बपतिस्मा लिया था, और उसके बाद मैंने जो है 90 में इलाहाबाद गई, और इलाहाबाद में मैंने बाइबल ट्रेनिंग लिया और वापस आई, और फिर जो है मेरे यहाँ पर 92 में पेंटिकॉस्टल चर्च आईटी का चर्च लगने लगा, 3 साल लगा वो बराबर। तब प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम जाओ और मेरे अलग अलग कलीसियाओं में जाकर तुम गवाही दो। मैंने कहा प्रभु मैं कैसे अलग अलग जगह जाऊंगी और गवाही दूंगी, क्योंकि मैं तो निर्बल कमज़ोर, कैसे मैं सफ़र करूंगी। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम ये क्यों कहती हो कि मैं निर्बल और कमज़ोर हूँ, मैं हमेशा याद था मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और जब तुम सफ़र करके आओगी तब कहोगी कि यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। और सच में मेरे सफ़र के बारे में यदि मैं कहने जाऊँ तो समय पूरा नहीं होगा, इतनी मेरे सफ़र में प्रभु ने अद्भुत रीति से कार्य किया है। एक बार मैं नीमच में, एमपी में, नीमच गाँव में, वहाँ पर मैं कन्वेंशन में जा रही थी, और जो पहले डायरेक्ट गाड़ी नहीं थी, एक फतियाबाद करके छोटा सा स्टेशन है, वहाँ पे गाड़ी बदलनी थी। जब मैं उतरी तो काफ़ी गाड़ी में भीड़ थी, और मैं देखने लग गई कि मैं कैसे इसमें चढ़ूँगी, मैं सोचने लग गई। उसी समय एक बुजुर्ग आए, कहने लगे क्या बात है बेटा। मैंने कहा अंकल मुझे इस गाड़ी से सफ़र करना है। देखिए आओ, उन्होंने मेरा सामान उठाया और कहने लगे कि हटो हटो वीआईपी आ रहा है, और इस प्रकार से उन्होंने जब ऐसा बोला तो लोग हट गए, और मैं गाड़ी में चढ़ गई, और लोगों ने मुझे देखकर जगह दे दी। इस प्रकार से कई बार जब मैं उतरती थी तो मेरा बैग और पर्स में अजनबी किसी के भी हाथ में देते थे, और वो लोग कि मुझे प्लीज़ आप उतार इसको नीचे उतार दीजिए। आज तक ना तो मेरा बैग ना पर्स कभी चोरी हुआ, कोई लेकर भागा नहीं। आजकल हम देखते हैं कि ट्रेनों में बिस्किट खिलाकर या कई प्रकार से लोगों के सामान चोरी हो जाते हैं, लेकिन आज इतने साल हो गए मेरा कभी भी कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। और एक बार तो मेरा जो बैग है या टेची है वो इसमें रह गया ट्रेन में, 6 महीने बाद जो है वो वापस मुझे अटैची मिल गई, और उसका कोई सामान नहीं था। एक बहन ने उसको लेकर इंदौर में अपने घर ले गई, और उसने फिर उसमें मेरा आईडी कार्ड्स वगैरह थे वो देखा, और उसने मुझसे संपर्क किया, और वो कहने लगी कि आप गॉड को मानते हैं ना, इसलिए गॉड आपके वापस अटैची को वापस कर रहा है। रियली मैं हमारा परमेश्वर, मैंने ये देखा कि विश्वास योग्य है। मैं सच में बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि कितने उसकी बातों को स्मरण करूँ। उसने मुझे जिस प्रकार से हर पल हर समय मेरी सहायता करता है, वो वर्णन से परे है। मेरे जीवन में आनंद और जो खुशी दी है वो सच में मैं कह नहीं सकती। वो मेरा जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन आज कई लोगों के लिए एक
लोगों को एनकरेज करती है, काउंसलिंग करती है, बहनों को जो है मैं बहनों के बीच में भी, प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि मैं बहनों के बीच में भी उन्हें सेवकाई करती हूँ, उन्हें वचन में मजबूत करने का प्रयास करती हूँ। और प्रभु इसमें 2007 में प्रभु मुझे एक दर्शन दिया और वो से उज्जैन के इंदौर के पास में एक महू है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जन्मस्थली है महू, वहाँ का मुझे दर्शन दिया, वहाँ अम्बेडकर का स्टैचू दिखाया और कहा वहाँ जाकर तुम प्रेयर का एक जो है ग्रुप तैयार करो। और मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई कैसे होगा, प्रैक्टिकल में बहुत कठिन था, लेकिन मैंने एक भाई से शेयर किया और उसमें बॉय बॉम यूथ विथ ए मिशन, बॉय बॉम के जो चेयरमैन है रामचंद्र दर, उनसे शेयर किया और उन्होंने सच में मुझे बहुत कॉपरेट किया और महू में मैंने एक प्रेयर ग्रुप तैयार किया है और वहाँ पर भी प्रभु ने अद्भुत रीति से कार्य किया है। वहाँ पर काफ़ी दुष्ट आत्माएँ थी, वो जो एरिया था काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी दुष्ट आत्माएँ थी, लेकिन वहाँ मैंने घूम घूम कर प्रार्थनाएँ किया और एक रूम जो अटालिका जैसे था उसको प्रभु ने सच में अद्भुत रीति से एक प्रेयर रूम बनाया और वहाँ पर आज एक वातावरण बदल गया है। प्रभु ने मुझे इसी प्रकार कहा कि एक दिन कि क्या तुम मेरी आंसुओं की बेटी बनोगी, और यश्कल 22:30 के अनुसार मुझे उस नाके में खड़े होने के लिए पूछा प्रभु ने कि क्या तुम नाके में खड़ी होगी। मैंने कहा हाँ प्रभु मैं जरूर खड़ी होंगी, और उसके बाद मैं एक प्रेयर वॉरियर के रूप में आज मैं रातों को जागकर दिन में अधिक समय मेरा प्रार्थना में लगता है। और मैं यही कहूँगी विश्वास से जब भी हम कदम बढ़ाते हैं मेरे लिए कोई भी कार्य जो है असंभव नहीं है, मेरे लिए हर चीज़ प्रोवाइड करने वाला मेरा प्रभु है। 2018 में मेरा एक्सीडेंट हो गया पैर का 31 में, और उसी के 2 महीने बाद जो है कॉलर बॉन का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को निर्माण करती। ये एक्सीडेंट मेरे लिए 2018 से आज 20 तक मैंने इस चीज़ को अनुभव किया कि हमारे जो दुख है, तकलीफ है, कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, ये सब हमारे भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करते हैं और अधिक हमें प्रभु के निकट लाते हैं। मैंने इसको अनुभव किया। आज मैं बहुत ही निर्भीक हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा, कल क्या होगा। आज मैं 72 ईयर्स हूँ और मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं अकेले सफ़र करती हूँ और सारी चीज़ों को प्रभु मुझे प्रोवाइड करता है। इसलिए मैं फिर से एक बार यही कहूँगी कि अपनी सारी कमजोरियों, अपनी सारी दुर्बलताएँ, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य प्रकट होती, प्रभु हमारी निर्बलता में हमारी सामर्थ्य प्रकट होती। मैं अपने हर एक परिस्थिति को प्रभु को शेयर करूँ तो प्रभु उसमें अद्भुत रीति से कार्य करेगा। प्रभु ने कई प्रकार से मुझे आराधना स्तुति करना, वचन मनन करना और साथ ही प्रार्थना करना सिखाया, मुझे कैसे बाइबल टीचिंग करना है वो मुझे सिखाया प्रभु ने। और मैं IIT के साथ ज्वाइन होकर मैंने कई बाइबल कॉलेज में पढ़ाना, और अभी मैं विशेष प्रभु की आज्ञा के अनुसार एक प्रेयर वॉरियर के रूप में मैं प्रभु का इंटरसेशन करती हूँ, लोगों को प्रार्थना में मोटिवेट करती हूँ, कि लोगों को उत्साहित करती हूँ कि प्रार्थना करें, नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, और साथ ही अपने घर परिवार पड़ोसी जहाँ तक हो सके निकलिए और सुसमाचार प्रचार करिए। जब मैं गांव जाती थी साइकिल रिक्शा से बस में और बस में चढ़कर गांव जाती थी, तो बारिश के टाइम में वो जो बस थी वो गांव में जाती थी तो गांव के लोगों के जूते काफ़ी कीचड़ से भरे हुए रहते थे, तो बस चढ़ने की जो सीढ़ियाँ थी उसमें भी कीचड़ लगे रहते थे, और उस कीचड़ वाले उसमें भी हाथ से, और जैसे अभी आपने देखा कि मैं जहाँ स्टेप चल रही हूँ तो मैं घुटने से चल रही हूँ, तो मेरी शलवार भी जो है कीचड़ में हो जाती थी, गंदी होती थी, और मैं वैसे चढ़ के अपने प्रोजेक्ट में आती थी।
और वहाँ से लौटते समय वापस में एक रोड पर उतर जाती थी, क्योंकि वहाँ से साइकिल रिक्शा मिलना आसान रहता था। और जब मैं ऐसे नीचे ही रोड पर बैठती थी, और बारिश का टाइम होने के कारण कई बार बारिश होती और मैं भीग जाती थी, भीगने कारण जो है पहले मुझे थोड़ा सा एलर्जिक प्रॉब्लम था, काफ़ी छींके ठंड आसानी होती थी और छींके और अस्थमा का भी प्रॉब्लम था, और इसलिए पर फिर भी प्रभु का एक अनुग्रह रहा। और जब मैं थोड़ा बारिश रिक्शा आता उसमें बैठकर मैं जाती, और इस बारिश के बाद गर्मी आई, अक्टूबर हीट जो बर्ड फेम है पूरा डंबर रोड में, कितना वो तपता है हम जानते हैं कि गर्मी में धूप में डंबर रोड तप जाता है, उसमें भी मैं हाथ रखती तो कई बार ऐसे चटके लगते थे। लेकिन मेरे सामने ये था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो दुख कष्ट उठाए हैं, हमारे लिए जो उसने अपने मुंह पे थूक झेला है, तो मेरे हाथ यदि गंदे हो रहे हैं, यदि मेरे हाथ में चटके लग रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। सोचिए कि हमारे मुंह पे कोई थूकेगा तो हमें कैसा लगेगा। तो मैं जब ये कल्पना करती थी तब मेरा मन थोड़ा सा मुझे शांत करता था कि नहीं मेरा, लेकिन मैं थोड़ा अपने को दिलासा देती कि नहीं, मेरे प्रभु ने मेरे लिए दुख सहा है। घर आने के बाद जो है हाथ साबुन से धोने के बावजूद भी मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि एक घिन लगती थी। तो मैं चम्मच से, मम्मी से कहती थी मेरे लिए दलिया बनाओ, तो मैं दलिया और चावल खाती थी, तो चम्मच से खाती थी मैं। इस प्रकार से कुछ समय हुआ, लेकिन यही है कि हमारे आँखों के सामने मैंने जो है एक परमेश्वर के एक दास ने मुझे एक कलीसिया में मैसेज दिया था कि हम हमेशा क्रूस की ओर देखें, और मुझे वो मैसेज बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आज तक केवल क्रूस को देखती, और पौलुस के समान कहती कि मैं क्रूस के सिवा और कुछ नहीं रखती। क्रूस, जैसे कहा है कि नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ्य। आज ये क्रूस की कथा मेरे लिए क्रूस सामर्थ्य परमेश्वर की। प्रार्थना न, हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन कई बार जैसे कि लुका 18 में भी कहा है, हमें धीरज के साथ लगातार प्रार्थना करना है, भरोसा रखकर प्रार्थना करना है। एक घटना और मेरे जीवन के साथ एक बहुत बड़ी हुई कि मेरे पापा ने अपने जाने से पहले मुझे अपने मकान का एक भाग गिफ्ट करके दिया, और उस मकान में एक किराएदार रहता था, वो मकान खाली नहीं कर रहा था, और पापा के समय से वो कोर्ट केस चल रहा था। लोअर कोर्ट में तो हम लोग जीत गए, इसलिए उसने हाई कोर्ट में दावा किया, और वो जो हाई कोर्ट में जो उसने जज को पैसे देकर मुकदमा जीत गया। मेरा घर एकदम बहुत ही सिटी में था, काफ़ी लाखों रुपए उसके ये थे, लेकिन इसीलिए उसने क्या किया कि वो चाह रहा था कि मैं उसे कुछ पैसे दूं, लेकिन मैं लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। उसने लॉक लगा कर चला गया। 8 साल इस बात को होते हैं, कई परमेश्वर के दासों ने आकर उस घर के दीवारों पर हाथ रख रख कर प्रार्थना किया, लेकिन फिर भी मैं कैस हार गई और वो लॉक लगा कर चला गया। लेकिन मैं जानती थी कि मेरा प्रभु इस सामर्थ्य है। मैं उससे कहती थी कि तुम लोअर कोर्ट में तो जीत गए, अपर कोर्ट में नहीं जीत पाओगे, अपर कोर्ट हमारा एक है, और इसलिए मैं लगातार प्रार्थना करती रही। लेकिन मैंने ये प्रार्थना किया कि प्रभु मैं जो है उसे वो चाबी दे के जाए, और साथ ही केवल मुझे चाबी नहीं चाहिए लेकिन वो मेरे साथ प्रार्थना भी करें। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, दिन गुजरते गए, और इसी दौरान मेरी माँ को कैंसर हो गया, टाटा में एडमिट थी, मेरी पोजीशन बिल्कुल ही और थी, और काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ था, लेकिन इसी समय प्रभु ने उसके मन में कार्य किया। उससे पहले एक दिन पहले ही उसकी एक मानवीय बहन ने कहा था कि मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देती हूँ कि वो खाली नहीं करेगा। मैंने उसी समय आकर प्रभु से प्रार्थना किया। वो बहुत दावे के साथ कह रही है स्टैम्प पेपर, लेकिन प्रभु मैं दावे के साथ कहती कि आप ऐसा मेरे लिए ऐसा नहीं करेंगे, वो खाली करेगा, चाबी दे जाएगा। मेरा विश्वास ना,
वो था। और जो 8 साल के बाद उसने मैसेज भिजवाया कि यदि वो आकर जो है मुझे देखो मैं चाबी दी। उसने मुझे काफ़ी टॉर्चर किया। ये 8 साल का टाइम क्यों लगा? इसलिए लगा कि उसने मुझे काफ़ी टॉर्चर किया था। मेरे रास्ते में पानी डाल देता, मिट्टी डाल देता, मेरी गाड़ी का जो सीट है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उसने ब्लेड मारकर। यहाँ तक कि उसने जो पहिया है उसका नट निकाल दिया, जबकि मैं गांव जाती थी और मेरी थोड़ी स्पीड से चलाती थी। लेकिन मैं उस समय जो है एक अचानक ही मेरे मन में आया और मैं धीरे धीरे चलाती हुई हवा भरने के लिए वापस गई। और उसने कहा दीदी ये आपका तो सिर्फ एक रॉड लगी हुई है, इसमें नट नहीं है। और सच में प्रभु ने मुझे बचाया और मैं वैसे ही एक जगह वर्कशॉप में गई, पास में ही वर्कशॉप था और नया नट डलवाया। हमारे प्रभु ने जो है उसने मौत से मुझे बचाया, सच में एक्सीडेंट से बचाया। तो हमारा प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। और फिर उसने जब 8 साल में मैंने मुझे बदला, उसे बदला, और उसने जब मैसेज भिजवाया कि चाबी ले जाए, मैं वो चाबी लेने के लिए जब मैं अपने फ्रेंड के साथ गई और चाबी लेने के बाद उसने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा क्या तुम विश्वास करते हो? कही कि हाँ विश्वास करता हूँ। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने अपने वायदे को पूरा किया। सच में प्रभु, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, लेकिन मैं सच कहती हूँ इस घटना ने, मेरे इस किराएदार ने मेरे मन को बदला। क्योंकि जब मैंने सुना था कि उसको हार्ट अटैक आया तो मैंने आंसू के साथ उसके लिए प्रार्थना किया। प्रभु हमें इसलिए भी विलंब करता, हमें भी बदलता है, उसे भी बदलता है, हालात को भी बदलता है। तो हमें धीरज के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रार्थना करना। हमारी प्रार्थना जरूर एक दिन प्रभु सुनेगा। मेरी गवाही मैंने आपके सामने रखी है। इसका उद्देश्य एक ही है, अपनी महिमा नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के कार्य जो मेरे जीवन में, मेरी निर्बलता में जो उसके कार्य प्रकट हुए, और उससे मैं वो लोग जो इस गवाही को सुन रहे हैं, मेरे हर एक भाई बहन, मेरे अंकल आंटी, जो भी हर एक जन जो ये सोच रहे हैं कि उनका सब कुछ खत्म हो गया ना, उनके जीवन में का कोई अर्थ नहीं है, निराश है, उदासीन है, कई प्रकार की बीमारियां, कई परिस्थितियों के द्वारा वो कई बार हम सोचते कि सब कुछ खत्म हो गया। कई लोग ये सोचते कि हैं मैं बेकार हूँ, यूजलेस हूँ। लेकिन मेरे जीवन को देखें कि प्रभु ने मुझे, मैं भी सोचती थी कि मैं फालतू को यूजलेस हूँ, लेकिन आपने मुझे देखा, मुझे उठाकर ले जाना पड़ता है, मैं चलती आ। प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे इस्तेमाल किया है, मेरे सारे नीड्स को पूरा किया है। मैं ऐसे ही, आप भी जब परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उसे अपना जीवन देंगे। हमारा यीशु मसीह आया है इसीलिए, और वचन ये कहता है उसने निर्बलों को, नीचों को, तुच्छों को, बल्कि जो है नहीं उसको उसने चुना, हमारी निर्बलता को दूर करने के लिए वो स्वर्ग से यहाँ पर आया, हमें पूर्ण जीवन देने के। और इसलिए मेरे भाई बहनों से, सभी सुनने वालों से मेरा यही निवेदन है कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर, असहाय या बिल्कुल निरर्थक ना समझे कि हम बेकार हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, जहाँ खत्म होता है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। और आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, वचन यही कहता है जो मसीह में एक नई सृष्टि है ना, जो हमारी निर्बलता में, प्रभु ने कहा है कि तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है। और इसलिए प्रभु की सामर्थ्य प्रकट हो, यही मेरे इस गवाही का उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में एक नई आशा नहीं होगी, निकल ये हालात का सामना करके उसी में से आप आगे बढ़िए। प्रभु यीशु मसीह को जानिए, सृष्टिकर्ता को जानिए जिसने आपको बनाया, प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करे, उसके पास आइए, उसको जानिए, वो जरूर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। प्रभु की स्तुति।